पता ही होगा, हमारे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम हिमाचल में थे, नाउ वी आर गोइंग टू धर्मशाला। सो हमने ये रास्ता ऑप्ट किया जहाँ जोत आता है बीच में। सो जोत एक ऐसा पॉइंट है जो जनरली लोग मिस कर जाते हैं यहाँ पे, पर ये डेफिनेटली जाने लायक पॉइंट है, क्योंकि जब भी डलहौजी और खजियार में बर्फ़ गिरती है तो ये जगह भी बर्फ़ से ढक जाता है, और बहुत ही सुंदर जगह है ये। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे इतना मिलेगा नहीं आपको, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप किसी गाइड के थ्रू आते हैं या किसी के थ्रू भी आते हैं, बस से आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्टॉपेज ज़रूर देगा। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ गदर पिक्चर की शूटिंग हुई थी, जो आगे जाके मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगी, उस पॉइंट में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे गदर की शूटिंग हुई थी, वहीं पे कुछ ऐसा व्यू पॉइंट बना हुआ है। सो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो जोध की जो हाइट है वो है 2880 मीटर अबव सी लेवल, एंड ये डलहौजी एंड खजियार के बीच में आता है। मतलब अगर डलहौजी से आप खजियार जा रहे हो तो ये बीच में आता है, और ये भी स्नोफॉल के समय पे बंद हो जाता है रास्ता। रोड बहुत नैरो है और अभी भी यहाँ की बर्फ बहुत ताजा है। सो अब यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, अब ऊपर आ गए हम यहाँ पे। ये वो पॉइंट है जहाँ कदर पिक्चर की शूटिंग हुई है, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं वो हर्ट वगैरह वो सब भी यूज़ हुए हैं, एंड पीछे ही एक वो व्यू पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, और नीचे पे ही छोटे से आप कह सकते हो ढाबा रेस्टोरेंट टाइप्स जहाँ आप कुछ खा सकते हैं। कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। ज्यादा बर्फ मुझे रास्ते भर में बर्फ बहुत ज्यादा लगी, लेकिन यहाँ ना वैसे आके यहाँ भी खेलने लायक बहुत अच्छी है, सॉफ्ट। नहीं बर्फ तो यहाँ भी है। हाँ बर्फ खेलने लायक अच्छी है, पर मेरे हाथ गल रहे हैं। हाँ मत उठाना, बहुत ठंडी लग रही है। मुझे लगा नहीं था बर्फ मिलेगी, हार्ड है राहुल, बहुत हार्ड है यार। मेरे को लगा बर्फ देख के सॉफ्ट लग रही है, उधर भी सॉफ्ट। हाँ वो सॉफ्ट है, उधर चलना, उधर पर नहीं सरक जाओगे, मत जाओ उसपे, वो स्लिपरी होगा। वो उसी रोड से हम आए हैं, उसी रोड से हम आए हैं। और ये पहाड़ी, और ये है पहाड़ सामने, देखिए कितना अच्छा नजारा है। थोड़ा ऊपर जाते हैं, ये बर्फ जम चुकी है। आ गया, आया 2 मिनट। दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, आ गया मैं। इससे भी ऊंचा एक पॉइंट है रेखा, वो देखो। रेखा फोन पकड़ोगी? इधर 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 आओ, इधर इधर रुको, टाइट है ना बस। हाँ लोग गए हुए हैं, आराम से आराम से आराम से यहाँ से, आराम से। थैंक यू। अभी तक हम लोग धर्मशाला पहुंचे भी नहीं है ना, अभी 50 किलोमीटर के आसपास है। 50 किलोमीटर मतलब 1 घंटा तो टिका ले, 1 घंटा से ज्यादा। 5 मिनट पहले निकल, जहाँ हम लोग जाना है वो 25, जहाँ हम लोग जाना है वो 24 किलोमीटर और आगे, ऐसा बोल। तो हम धर्मशाला पहुंच गए, तो हम रुके हैं नड्डी में, मैक्लॉडगंज में नहीं। नड्डी आता है अपर धर्मशाला में, मैक्लॉडगंज से भी ऊपर है, और यहीं पास में है, वॉक इन में ही है सनसेट पॉइंट। और सनसेट होने के बाद यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। सनसेट मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था, बट यहाँ से जो माउंटेन का जो व्यू होता है, व्यू बहुत ऑसम है। तो
अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, हम सुबह ही सुबह आ गए थे ये भागसोनाग टेम्पल, क्योंकि हमें वाटरफॉल देखना था। ये यहाँ पे आपको एक स्विमिंग पूल भी देखने मिलेगा, बहुत फ्रेश वाटर है उसका, ये जो आप देख रहे हैं बहुत फ्रेश वाटर है इसका। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। जो डायरेक्शन आपने देखा वाटरफॉल की तरफ, उससे हम अब अंदर जा रहे हैं। थोड़ा वॉक इन है यहाँ पे, किनारे किनारे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं, एंटीक चीज़ें आपको मिल जाएंगी और विंटर की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये सेम पैंट मेरे पास ऑलरेडी है। फिर अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे जो आप ये सामने देख रहे हो सैंडीज किचन, ये भी एक कैफ़े है, बहुत अच्छा है ये, आप नीचे भी इंजॉय कर सकते हैं एंड ऊपर भी बैठ के अच्छे से व्यू, वो वाटरफॉल का व्यू इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। वाटरफॉल में जगह जगह आपको मतलब नोटिस मिलेंगे कि यहाँ पे जो पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए कहीं भी ज़्यादा स्टॉप नहीं होना है, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। पर हम पूरा एंड तक गए नहीं, क्योंकि वाटरफॉल में जो पानी था ठंड में वो सूख चुका है। अगर आप समर सीज़न में आते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे वाटरफॉल देखने मिलेगा, नीचे जाने के लिए बहुत अच्छा है। बट अभी पानी है ही नहीं, इसलिए हम नीचे नहीं उतरे, हम यहीं से इसे यहीं पे व्यू देख के हम फिर वापस चले गए थे। क्या ले रहे हो? हाँ शॉल अच्छी दिख रही है। कितना प्राइस बता रही है इसका? फाइनल बोलोगे उसे कब भी लगाओगे? 250 में लगा दोगे? 200 में? 200 में? कितना लगाओगे? 250? बड़ी ज़्यादा बता रही है। हे वो? गर्म करता है भैया ये? एक ये कैसा दिख रहा है? अच्छी है। ड्रिंकी? ये? हाँ अच्छा गले में राउंड कर करके वाला, हाँ ऐसे वाला, और फिर इसको एक, हाँ एक और राउंड और बस ऐसे ही। कितने का है ये? कितने का ये? हाँ 200 का, चाहिए क्या? 200 का है। सो ये है मार्केट यहाँ का, टेंपल के बाहर का, थोड़ा बड़ा है मार्केट, छोटी छोटी शॉप है। यहाँ आपको वुलन की चीज़ें काफ़ी देखने मिलेंगी, ड्रीम कैचर्स भी काफ़ी मिलेंगे आपको, फ्लैग्स मिलते हैं जो आप अक्सर गाड़ियों के पीछे लगे हुए देखेंगे फ्लैग्स, वो फ्लैग्स भी यहाँ मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, हमने भी लिए हैं ये फ्लैग्स। और यहाँ आपको ये तिब्बतियन चीज़ें ऐसी बहुत मिलती हैं जो घर पर काफ़ी प्यारी लगती हैं रखने पर। मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगा, आप भी अगर कभी आएँ तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करें एंड डू शॉप फ्रॉम हियर। दिख रही हो मम्मा? दिख रहे हो? अच्छा अभी देखो मौसु दिख रही है क्या? मौसु दिख रही है? नहीं तो पापा दिखाओ, पहले देखिए इसको। हाँ ये देख लो तुम भी। देखो ठीक है ना? हाँ वाइट वॉल ही मेरा। प्राइस? प्राइस 125। ओके छोटे छोटे नहीं ले रही हूँ, यही एक बड़े ही ले रही हूँ। 5 रुपए चेंज है ना? रखे हो किस 5 रुपए चेंज? 125 का तो 20 दे जाएंगे? नहीं 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 15 रुपए कमाते हैं, 5 रुपए चेंज देना। अच्छा ठीक है। इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं, ये मैंने बस भागसोनाग टेम्पल कवर किया है, बाकी चीज़ें आपको पार्ट 2 में मिलेगी, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था।
सो मैंने इसका एक पार्ट और बनाया जो आपको जल्द ही देखने मिलेगा। टिल देन बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।